सब्सक्राइब कीजिए भिवाड़ी यूट्यूबर अंजू ब्लॉगर को और बेल आइकन की घंटी को दबाइए जिससे नई नई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप मुझे बताना। भिवाड़ी यूट्यूबर अंजू ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो आज मैंने ना अपने ना बालों की हेयर कटिंग करी है, तो आप किस तरह से करी है आप लोग बताना। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है इसका, तो आप लोग बताना किस तरह से मैंने कटिंग करी है। देखिए ये मैंने अपनी इस तरह से कटिंग करी है, देखिए देखिए इस तरह से कटिंग करी है मैंने। आप लोग बताना मैंने ये कटिंग कैसे करी है। अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना आप लोग। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने किस तरह से अपनी बालों की हेयर कटिंग का अपनी हेयर कटिंग करी है, तो आप लोग दिखाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ना कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, तो यहाँ मैं अपने बालों को कटिंग कर रही हूँ। दोनों बाल अपने बालों को आधा आधा कर लूँगी पहले आगे से इस तरह से, और इनको अच्छे से कॉम कर लूँगी। मैं ज़्यादा ज़्यादा नहीं काटूंगी, थोड़े ही काटूंगी इनको मैं, जितने जितने मेरे खराब हो रहे हैं उतने उतने काटूंगी मैं इसको कंघी में लेकर इस तरह से। इस तरह से पकड़ के इस तरह से इनको काट दूंगी जो मेरे खराब बाल है। ये मेरा एक्स्ट्रा बाल था कि तो इनको भी अच्छे से काट दूंगी और एक बार इनको अच्छे से कॉम कर लूंगी फिर से। इस तरह से मैं दूसरी साइड से भी काट लूंगी अपने बालों को इनको बराबर लेके। जितने जितने हैं इसके इधर से भी इतने ही काट लूंगी मैं। इनको देख लूंगी अच्छे से कितने हुए मेरे बाल बराबर है दोनों साइड से, तो दोनों देखती हूँ। अच्छे से कॉम कर लूंगी दोबारा से और इनको बालों को देखूंगी अच्छे से कटिंग हुई है मेरे बालों की या नहीं हुई है। तो मेरे बाल देखिए एकदम बराबर हो गए हैं, हल्का फुल्का सा फर्क है उनको मैं दोबारा से कर लेती हूँ। ये देखिए अब मेरे बाल बिल्कुल एकदम इकसार हो गए हैं जो दोनों साइड से। सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, हमारा डॉग है ना वो आवाज कर रहा है। तो देखिए ये मैंने इधर ऐसे कर लिए हैं अपने बाल अच्छे से, तो आप देखिए। और मैं पीछे करके दिखाती हूँ इनको,
देखिए अभी मैं और भी काटूंगी, अभी मैं आपको पीछे तरफ से भी दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से आए हैं, आप बताना हम लोग है ना, कटिए ना एकदम बजाने से। तो इसी तरह से मैं उन दोनों को कर लिया, और मैं थोड़ी थोड़ी सी लेयर निकाल के, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी से काटूंगी, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, एक साइड से इतनी लेयर निकाल के। और इधर से ये वाली लेयर निकाल के, इन दोनों के लेयर निकाल के सार वालों को पीछे कर दूंगी, इन वालों को भी। इस तरह से काटूंगी इनको, इनको भी अच्छी काट दूंगी। देखिए हल्के हल्के से जो है वो इनको दोबारा से सही कर लूंगी। और देखिए ये कटिंग मैंने कर ली है, देखिए एक दो स्टेप हो गया, एक वो एक ये, तो एक लेयर और काटूंगी मैं, मन करेगा तो काटूंगी, नहीं नहीं मैं बस ये दो लेयर ही काटूंगी, ज्यादा नहीं इतना ही काटूंगी मैं। अब इसके बराबर एक लेयर ले लूंगी जो इससे, इससे थोड़ी बड़ी काटूंगी। इससे बड़ी काटूंगी, इस तरह से, इसी तरह से इधर से ले लूंगी। अब इनको मैं एक साथ लेके जब काटूंगी एक साथ में, कहीं छोटे बड़े ना रह जाए इसलिए इनको एक साथ ही लेके इनको काटूंगी। देखिए एक स्टेप दो स्टेप थ्री स्टेप में काट, टू स्टेप में काट, मैंने इतनी ही लेयर भी में काटे हैं, तो मैंने इतनी इस तरह से कटिंग कर ली है। अगर आपको अच्छी लगे तो देखिए, तो इसको मैं क्लीचर लगा के, इस तरह से क्लीचर लगा के पीछे से, तो इस तरह से मैंने देखिए कटिंग कर ली थी, कर ली है अपने बालों की। मेरे बाल ना बहुत जल्दी अड़ जाते हैं इसलिए, तो आप लोगों को किस तरह से मेरी कटिंग लगी है बताना अपने बालों की। मुझ पे थ्रेडिंग नहीं आती है अपने आप बनाने के लिए, और तो मैं अपना सारा छोटा छोटा कर लेती हूँ काम, जो मुझे करना होता है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो आप लोग बताना कैसी लगी
अगर मेरी कटिंग जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और जो कोई मेरे चैनल पे आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो भी कोई न्यू आए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी कोई आए इस तरह से घर पे ही देखी हुई मैंने अपनी कटिंग कर ली है। मैंने बिना पार्लर के ही अपना थोड़ा सा मेकओवर कर दिया अपनी कटिंग वगैरह करके, तो आप लोग बताना किस तरह से हुई है मेरी कटिंग बिना पार्लर के, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बिना पार्लर में जाए, पता ही आपको लॉकडाउन वगैरह वैसे चल रहा है, तो इस तरह से मैंने अपना अपनी कटिंग कर ली है। आप लोग बताना अगर मेरी कटिंग जरा भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी और शेयर कर देना, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कर देना, मेरी मेहनत जरा भी अच्छी लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना। तो मैं आपको यहीं पर ही बाय करती हूँ, फिर मैं आपसे अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए करती हूँ बाय।